हाय फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि आप स्टॉक में आप ट्रेडिंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, फ्री डीमैट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। इसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी लाइव टू लाइव देने वाले हैं। एक अकाउंट आपके सामने मैं ओपन करके दिखाऊंगा। आपको बता दें कि अब स्टॉक में बहुत आसान प्रोसेस में आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इतना आसान है या मैं आप सभी को लाइव टू लाइव करके दिखाने वाला हूँ, तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले आपको डालना है ईमेल आईडी। चलिए ईमेल आईडी डालते हैं। तो ईमेल आईडी हम यहाँ पर फिल कर रहे हैं अपना। हमने ईमेल आईडी अपना फिल कर दिया। अब यहाँ पर डालना है हमें मोबाइल नंबर। चलिए मोबाइल नंबर भी फिल कर देते हैं। उसके बाद सेंड ओटीपी पे करते हैं टच। जैसे सेंड ओटीपी पे आप टच करेंगे, आपके साथ आपके जो मोबाइल नंबर दिया गया उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। तो चलिए हम अपना ओटीपी डाल देते हैं, देखते हैं हमारे नंबर पर ओटीपी आई है या नहीं आई है। चलिए तो हमारा ओटीपी आ चुका है, तो यहाँ पर इंटर कर देते हैं ओटीपी को 83002। यहाँ पर इस पर आपको कर देना है टच। जैसे ही इस पर टच करेंगे आप, आपके सामने कुछ नया इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो चलिए कुछ इस तरीके के आपके सामने इंटरफेस ओपन होकर आ चुका है, तो इसको कर देना है कंटिन्यू। तो अब हमें यहाँ पर डालना है पैन नंबर, यानी कि अब अपना हमें यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालना है। चलिए हम अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर फिल करते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर एंटर कर दीजिए, जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है उसको एंटर करिए। चलिए हम कर देते हैं फटाफट F9300। चलिए अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पर फिल कर दीजिए। चलिए हम यहाँ पर फिल कर दिए अपना डेट ऑफ बर्थ। अब नेक्स्ट करते हैं। हम यहाँ पर नेक्स्ट कर दें, यहाँ पर देखिए आ चुका है विशाल मिश्रा। और अब यहाँ पर सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा आप मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी आप हैं उसको सेलेक्ट कर दीजिए। आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, हम सिंगल हैं भैया तो सिंगल कर देंगे यहाँ पर। तो चलिए इसके बाद आपकी इनकम कितनी है, तो हमारी इनकम 1 लाख तक की है। उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर ट्रेडिंग मतलब जो आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कितना है, हमारा 1 लाख 1 साल तक का ही है। तो चलिए 1 साल पे कर देते हैं टच। ऐसे ही आप सभी को करना है, एक आसान प्रोसेस से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको लिखना है कि आप पॉलिटिक, यहाँ पर नो कर दीजिए आप। यहाँ पर आप जो भी हैं, गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, एग्रीकल्चर, प्रोफेशनल, बिजनेस, हाउस वाइफ, स्टूडेंट, तो हम स्टूडेंट हैं, हम स्टूडेंट पर टच कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर एस कर देना है। उसके बाद स्क्रॉल करना है फिर से। उसके बाद यहाँ पर करना है टिक। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। फिर आई यस आई करके आगे बढ़ जाइए। फिर यहाँ पर ये करेक्ट एड्रेस है आपका। हाँ, हमारा करेक्ट एड्रेस है, अगर इसको बदलना चाहते हैं तो यहाँ से बदल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट एड्रेस है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर सिग्नेचर्स, डिजिटल सिग्नेचर्स आपको करने के लिए मांगता है। चलिए हम अपना डिजिटल सिग्नेचर कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर सिग्नेचर अपना कर रहे हैं। यहाँ पर इसी तरीके से आपको सिग्नेचर्स करना होगा, आपको इसी तरीके से सिग्नेचर्स करना है, आप देख लीजिए। चलिए हमने सिग्नेचर्स कर दिया। अब यहाँ पर अगर आपसे गलती हो जाती है सिग्नेचर्स में, तो इरेज आल कर सकते हैं। इरेज आल पर टच करेंगे तो सब हट जाएगा, फिर से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे ही आपका फोटो अपलोड हो जाता है, कैप्चर हो जाता है, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर अब आपका अकाउंट होल्डर नेम पूछेगा। तो अकाउंट होल्डर नेम जो है उसको डाल दीजिए। उसके बाद आप अपना IFSC कोड और अकाउंट नंबर आपको डालना होगा। तो चलिए हम अपना अकाउंट नंबर और IFSC कोड भी इंटर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। उसके बाद आप आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर अपना IFSC कोड और अकाउंट नंबर इंटर कर देते हैं। उसके बाद
कौन सा अकाउंट है, सेविंग है या करंट है, सेविंग है, तो उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, आपका ईमेल है, ईमेल आईडी अगर गलत है तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, नहीं तो ओटीपी भेज दीजिए। अब आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ओटीपी भेज दिया गया है, तो चलिए ईमेल आईडी पर ओटीपी देख लेते हैं, ओटीपी आई या नहीं आई इसको चेक कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि मेरी ओटीपी आई है या नहीं आई अभी तक। आप स्टॉक के द्वारा भेजा जाता है यह ओटीपी, तो देखिए मेरे अकाउंट में 1 रुपये ट्रांसफ़र करके चेक कर लिया गया है, अकाउंट हमारे अकाउंट में आ भी चुका है 1 रुपया। तो यहाँ पर अभी तक अब स्टॉक का मेल नहीं आया है, अभी रिफ्रेश करते हैं मेल को, मेल को हम रिफ्रेश कर रहे हैं और ईमेल आईडी पर ही मेल जाता है, ईमेल आईडी पर मेल जाएगा, उसमें ओटीपी होगी, उस ओटीपी को हमें यहाँ पर एंटर करना है। चलिए हमारा ओटीपी आ चुका है, हम अब इंटर कर देते हैं। यहाँ पर ओटीपी इंटर करना है आपको, जो भी आपके मेल पर ओटीपी आई है उसी को यहाँ पर इंटर कर देना है। तो चलिए खुल रहा है अभी, तो चलिए हम डाल देते हैं 470322। यहाँ पर हम स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, हमने नेक्स्ट कर दिया। अब इसी पे हमें टच कर देना है, यहाँ पर 249 रुपये बता रहा है लेकिन लगता है इसमें, फिर नेक्स्ट करते हैं, लगता है 293 रुपये। तो चलिए अब यहाँ पर यूपीआई नंबर पूछेगा किस नंबर पे आप, किस नंबर से आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो हम इसी नंबर से, अपने ही नंबर से करना चाहते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं, प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पर यूपीआई आईडी आप कार्ड से, यूपीआई से, नेट बैंकिंग से, वॉलेट से, किससे करना चाहते हैं, हम यूपीआई से करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इंटर योर यूपीआई आईडी फिर से यहाँ पर डालना है। अगर आप फोन पे यूजर्स हैं तो अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद जिससे फ़ोन पे चलाते हैं उसके बाद @YBL करके आप पे कर सकते हैं, अगर आप पेटीएम यूजर्स हैं तो @PayTM करके पे कर सकते हैं। तो चलिए हमारा फ़ोन पे है तो हम फ़ोन पे से कर देते हैं, पे करते हैं। अब यहाँ पर कैंसिल पेमेंट दिख रहा है, अब आपके फ़ोन पे पे चला जाता है इसका, जो पे के लिए भेजे हैं आप इसका नोटिफिकेशन, वहाँ से आप पेमेंट करेंगे तब यहाँ पर सक्सेसफुल लिख देता है। चलिए हम देख लेते हैं हमारे फ़ोन पे आया है नहीं आया है, चेक कर लेते हैं हमारे फ़ोन पे आया है। चलिए हम इसको पे कर देते हैं, सेंड करते हैं 293 रुपये। चलिए हमने सेंड कर दिया है, यहाँ पर ऑटोमेटिक देखिए इस तरीके का ऑप्शंस आ चुका है। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट करना है, चलिए हम नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर फिर से हमें नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर ई साइन करना है आधार के द्वारा हमें, तो आधार से हम कर रहे हैं। अब ये लेकर चलेगा हमें NSDL की साइट पर, चलिए हम चलते हैं। यहाँ पर ई साइन का ऑप्शन हमें मिल रहा है, इस पर टच करेंगे, अब यहाँ पर आई एग्री करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। अब प्रोसेसिंग हो रहा है, NSDL की साइट पर लेकर चला। अब यहाँ से हमारा आधार नंबर हमें यहाँ पर इंटर करके अपना OTP लेना है, उसके बाद हमारा ओपन हो जाता है पूरा डीमैट अकाउंट। चलिए हम OTP के लिए सेंड कर देते हैं, हमारे रजिस्टर्ड नंबर पर OTP भेज दी गई है। चलिए हमने हमारा OTP आ चुका है, वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई OTP कर लेते हैं, OTP को वेरीफाई कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारा OTP वेरीफाई हो चुका है, अब यहाँ पर क्लिक हियर टू डाउनलोड इस पर कर देना आप सभी को टच। जैसे ही आप सभी उसको टच करेंगे आपका एक PDF डाउनलोड हो जाता है और यहाँ पर आपका प्रोसेस हो चुका है। इसमें 2 से 3 दिन लगते हैं, समथिंग 3 दिन भी लग सकते हैं, 4 दिन भी लग सकते हैं, 4 दिन के ऊपर नहीं लगता है। तो अभी देखिए उसके बाद सिक्योरिटी का जाएगा, अकाउंट एक्टिवेशन का जाएगा, फिर लॉगिन का आएगा, यानी कि अभी तीन अभी आपका एक स्टेप हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 दिन लग जाते हैं वेरीफाई करने में। अब आपको कुछ नहीं करना, अब कंपनी वाले आपका पूरा वेरीफाई करेंगे, अगर सब कुछ सही रहा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई दिक्कत होता तो आपको कंपनी की तरफ से बताया जाता है। यहाँ पर हमारा PDF भी देखिए डाउनलोड हो गया है, इस PDF को सभी को डाउनलोड करना होता है, जब तक डाउनलोड नहीं करेंगे तब तक आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर इस प्रकार का आपके सामने ऑप्शन आ जाता है तो आपका अकाउंट ओपन हो चुका है और अब आपकी कोई त्रुटि होगी तो कंपनी की तरफ से कॉल करके जरूर बताया जाएगा, ये दिक्कत है उसको आप सही कर लीजिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आगे के वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।